पर हमें रोशन जी का आया है। इनके पास IEX के स्टॉक हैं, 500 शेयर्स 158 पर लिया है। अब ये कब की खरीद है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने तो 200 के ऊपर भी 200 के ऊपर के लेवल्स भी देखे हैं इस स्टॉक में, लेकिन हाल फिलहाल में IEX टूटा भी काफ़ी ज़्यादा है, और बीच में खबर भी आई थी मार्केट कपलिंग कंसल्टेशन शुरू करने को कहा गया था, और उसके चलते हमने देखा था कि IEX में भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब सुपर एक्सचेंज पर होगी इस तरह की बात की जा रही थी, तो IEX पर सिर्फ बिड जमा होंगे। तो जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि IEX में गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, और अब 126 पर आ चुका है ये स्टॉक। इस पर भी बस फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं सौरभ जी, इस वक्त IEX आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है इस खबर के आने के बाद, और अभी इन स्तरों पर इन्हें बने रहने की राय देंगे और तेजी के लिए रुके स्टॉक में? देखिए, अगर आप देखें तो इतने भारी करेक्शन के बाद भी अभी स्टॉक तकरीबन 14 टाइम्स टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, और इस तरह की खबर आने के बाद जो स्टॉक मार्केट है वो काफी मायूस हुआ, क्योंकि जो कंपनी की एक मोनोपोली पोजीशन है जिसकी वजह से वो वैल्यूएशन वो मिल रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि वो अब नहीं रहेगी और कंपनी अब कॉम्पिटिशन इस लाइन में भी आ जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी एक अर्निंग्स के हिसाब से भी काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। हो सके तो आप इसमें से निकलने की चेष्टा करें और कैपिटल गुड्स क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र में किसी दिग्गज कंपनी में पैसा डालें।